हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, आर्टिस्टिक विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से कोकोनट चॉकलेट, जो कि आप आसानी से इसे घर में बना सकते हो। और आज हम ये बनाएंगे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। यहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोको पाउडर की ज़रूरत है, ना ही आपको बटर की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले, और साथ ही हम इसमें इसे गोल्डन इफेक्ट भी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ऐसी चॉकलेट की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपसे शेयर की, होममेड चॉकलेट की रेसिपीज़ शेयर की, वो भी आप देख सकते हो। साथ ही मैंने व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट की रेसिपी शेयर की है, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि हर कोई घर में इसे आसानी से बना सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो, तो बस आपको चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही आपको बेल आइकन को क्लिक कर देना होगा, ताकि आने वाली सारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बाउल ले लेना है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप ड्राई कोकोनट पाउडर, और नेक्स्ट हमें यहाँ पे ले लेना है मिल्क मेड यानी मिठाई मेड। तो मिठाई मेड फ्रेंड्स आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगा, और ड्राई कोकोनट पाउडर भी कोई भी ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप ड्राई कोकोनट पाउडर में 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देना है आपको, साथ ही आपको पाउडर शुगर ऐड कर देना है करीबन 3 से 4 टेबल स्पून, और उसके बाद में आपको इसमें ऐड कर देना है मिल्क यानी 5 टेबल स्पून जितना आपको मिल्क ऐड कर देना है। तो आपका ये परफेक्ट मिक्सचर बन करके तैयार होगा। और अगर आपके पास मिल्क मेड है फ्रेंड्स, तो आपको ये सब चीज़ें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए हम इसके अंदर डाल देंगे कंडेंस मिल्क यानी मिल्क मेड। तो हम इसमें ऐड करेंगे करीबन 5 टेबल स्पून। तो स्वीटनेस आप आपकी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हो फ्रेंड्स, पर 1/2 कप ड्राई कोकोनट पाउडर में 5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, ये परफेक्ट है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा और मिल्क मेड ऐड करेंगे यानी 1 चम्मच जितना। तो पूरा मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून यूज़ किया है, और इसको हमें अच्छे से गूंथ लेना है, यानी जैसे हम आटा गूंथते हैं फ्रेंड्स, बस वैसे ही हमें इसको तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, ये बड़ी ऐसे इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, हम इसके बॉल्स तैयार कर सके, इस तरह का ये मिक्सचर बनना चाहिए। ये देखिए, ये परफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फटाफट से इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसके अंदर और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो बारीक चॉप करके, आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, आप चाहे तो चेरी भी ऐड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे इसे प्लेन बना रही हूँ फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें फटाफट से सारे बॉल्स को तैयार कर लेना है। तो इतने क्वान्टिटी में फ्रेंड्स 5 चॉकलेट बन करके तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस चॉकलेट को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही झटपट बन जाता है। तो लीजिए, हम फटाफट से यहाँ पे बॉल्स को तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, बॉल तैयार होने के बाद में हमें इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो ये देखिए, और फ्रेंड्स ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, आप इसे एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। तो इसे मैं चलिए फटाफट से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जिससे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें ले लेना है फ्रेंड्स डार्क कंपाउंड चॉकलेट। अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट नहीं है, तो आप इसके जगह पर नॉर्मल डेयरी मिल्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 80 ग्राम चॉकलेट लिया है, चॉकलेट को ध्यान रखें इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखना है, और इसे हमें अब मेल्ट करना है 30 सेकेंड के लिए। तो मैं इसे माइक्रोवेव कर लूँगी, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स 30 सेकेंड के लिए हमें पहले 15 सेकेंड माइक्रोवेव करना है, फिर 15 सेकेंड, और ऐसे मिला के हमें 30 सेकेंड के लिए इसे माइक्रोवेव करना है। कंटिन्यू 30 सेकेंड माइक्रोवेव ना करें, नहीं तो चॉकलेट जो है वो जल जाएगा। तो लीजिए, हमारा चॉकलेट यहाँ पर परफेक्ट मेल्ट हो चुका है, और यहाँ पर बॉल भी तैयार हो चुके हैं। तो इसे हम चॉकलेट में डिप कर लेंगे इस तरह से, और ये देखिए। तो इसी तरह से हम सारे चॉकलेट को अच्छे से बॉल्स को अच्छे से चॉकलेट में डिप कर लेंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे सेम प्रोसीजर से व्हाइट चॉकलेट से भी ये चॉकलेट बना सकते हो।
पर डार्क चॉकलेट और कोकोनट का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। तो इसे हम अच्छे से डीप करने के बाद में हम फिर से इसे सेट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में, जिससे कि इसका ऊपर का कवर जो है बढ़िया से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो बॉल्स भी बना सकते हो, आप और भी इसमें कोई शेप दे सकते हो। तो चलिए, हमारे बॉल को हमने अच्छे से डीप कर लिया चॉकलेट में, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे सेट करने के लिए 20 मिनट के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट कोकोनट चॉकलेट बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, इसके ऊपर हम गोल्डन इफेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डस्ट पाउडर ले लिया स्प्रे वाला, और इसको हम इस तरह से स्प्रे कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हो, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। आप इसमें चाहे तो ऊपर से कोकोनट भी लगा सकते हो, या आप शुगर स्प्रिंकल्स भी इसमें लगा सकते हो, या आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये लीजिए, ये देखिए, हमारा गोल्डन इफेक्ट वाला, शिमर इफेक्ट वाला कोकोनट चॉकलेट बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए, आप इसे इस तरह से बॉक्स में रख करके गिफ्ट भी कर सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए, ये खाने में भी टेस्टी है और बनाने में आसान है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी गोल्डन इफेक्ट के कोकोनट चॉकलेट बनकर के तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो लीजिए, तो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ है चैनल पर, वो आप देख सकते हो। साथ में मैंने डार्क चॉकलेट, होममेड डार्क चॉकलेट, होममेड व्हाइट चॉकलेट की भी रेसिपी शेयर की, फॉन्डेंट की रेसिपी शेयर की, बहुत सारे केक, कुकिंग, बेकिंग के रेसिपीज शेयर की, वो सारी वीडियोज़ आप चैनल पर देख सकते हो। और चैनल पर आर्ट एंड क्राफ्ट की भी वीडियोज़ है, वो भी आप देख सकते हो। पर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही आपको बेल आइकन को क्लिक कर देना होगा, तभी आप मेरी आने वाली भी सारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे कट किया है और आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया से हमारा होममेड कोकोनट चॉकलेट बन करके तैयार हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना एक्सपीरियंस आर्टिस्टिक विजन पे ज़रूर शेयर कर दीजिए, और आप भी इस तरह से इस चॉकलेट को ट्राई ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, बने रहिए आर्टिस्टिक विजन के साथ। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.